आज बना रही हूँ चिकन रेशमी सीख कबाब। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है, 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने फ्राई करके ले लिया है। इसमें से मैं लूँगी आधा नींबू का रस। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़ा सा कोथमीर जाएगा, थोड़ा सा पुदीना जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है बेसन का आटा, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर मैंने दही लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें यूज़ करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, चाट मसाला 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिया हुआ है 1 टीस्पून। और मैंने लेना है यहाँ पर देखिए, 7 मैंने काजू लिए हुए हैं, लेकिन इसमें काजू का पेस्ट जाता है, तो मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। आप चाहो तो काजू का पेस्ट भी ले सकते हो, उससे टेस्ट जो है और बढ़कर आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सिंपली हमने मिक्सी में डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने डाल देना है फ्राइड। इसमें ऑनियन डाल देंगे, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे हम, बेसन, भुना हुआ बेसन, इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है अगर आप बेसन को भून के लेते हो तो। अब इसके अंदर हरा धनिया, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चें सारा डाल दिया मैंने। यहाँ पर हम डालेंगे दही। अगर दही आपके पास में थिक है, घट वाला दही यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर सारे ड्राई मसाले भी इसमें डाल देंगे हम, और इसके अंदर इसके साथ में जाएगा 1/2 नींबू का रस, और इसको मैं अच्छे से अभी चॉपर में डालकर इसको अच्छे से चॉप कर लूंगी। देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर एक बाउल के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको कोयले का भाप देने वाली हूँ। देखिए, मैंने ये जो बैटर है इसको बरोबर से लगा दिया, बीच में मैंने छोटी सी कटोरी रख दी है, और अब मैं इसको कोयले का भाप देने जा रही हूँ। मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हो। बस फ्यू ड्रॉप डालेंगे और इसको कवर कर देंगे, और इसको 1/2 आवर के लिए साइड में रख देंगे। जैसे ये पूरा जो धुआं इसका स्मोक है वो पूरा निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये देखिए, अच्छे से जो स्मोक है वो अच्छे से पूरा चले गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए मैंने एक पेंसिल ली है, जो बच्चे हम मतलब जो हमारे बच्चे लिखते हैं सेम वही वाली पेंसिल है। ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी पहले हाथ में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और ये पेंसिल को मैं लगा दूँगी। आप चाहो तो टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हम अभी सिंपली इसके जो है ये देखिए सीख बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, बस इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, अगर ऐसा लगे तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा दो, क्योंकि ये चिपक रहा है हाथ में। इस तरीके से हाथ में ऑयल लगाएंगे, ये देखिए आसानी से निकल रहा है। और इसको बटर में फ्राई करना है, ऑयल में नहीं। तो ये देखिए अच्छे से हो चुका है, तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब इसको ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहो तो जैसे हमने सारी चीज़ें डालकर ग्राइंड कर ली थी, तो उसमें भी आप ये जो है बटर को जो मेल्ट करके डाल सकते हो और ऑयल में फ्राई कर सकते हो, बट मैंने बटर में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो अभी ये जैसे फ्राई थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर हम सीख को जो है फ्राई करने लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसके अंदर एक एक करके डालूंगी और इसको अलट पलट करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये चिकन रेशमी कबाब जो है वो बनकर तैयार है।
तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो रेशमी कबाब जो होते हैं वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं।